बताओ। 10 मिनट में 10 मिनट में आ जाना। ठीक है, मुझे बना दो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दिया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वाइस मैन चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आप HDFC बैंक के अंदर आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट से कैसे मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं मान सकता हूं कि आपने गूगल एडसेंस में अगर आपने जो डिटेल्स डाली है बैंक की, वो है HDFC बैंक। अगर आप HDFC बैंक का यूज़ कर रहे हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम गूगल एडसेंस टू योर HDFC बैंक, अगर आप यूज़ कर रहे हैं HDFC बैंक मनी ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम गूगल एडसेंस से HDFC बैंक में, तो क्या स्टेप्स आपको करने होंगे HDFC बैंक के द्वारा, जिससे कि जो आपका अमाउंट है वो गूगल एडसेंस से आपके HDFC बैंक में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पॉइंटर ऑन कर देता हूँ, लेजर पॉइंटर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जब भी आपका गूगल एडसेंस में $100 से ऊपर अमाउंट पहुंच जाएगा, तब आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, आपको एक ईमेल आएगा। कहाँ से आएगा? वो HDFC बैंक से आएगा। ठीक है, तो जब आपका $100 से अमाउंट पहुंच जाएगा गूगल एडसेंस में, गूगल एडसेंस ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके लिंक्ड अकाउंट में। यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट है HDFC बैंक। ओके, तो वो जो उस आपका जो लिंक्ड अकाउंट है HDFC बैंक का, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र इनिशिएट कर देगा। उस इनिशिएशन के बाद जब वो इनिशिएट कर देगा, जब वो स्टार्ट कर देगा, उसके बाद HDFC बैंक से आपको एक ईमेल आएगा। ओके, ये ईमेल होगा, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो ऐसा होगा, डिस्पोजल रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन करेंसी, FCY होता है फॉरेन करेंसी, इनवर्ड फॉर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया होगा, अमाउंट दिए होंगे USD में, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर होगा। तो ये आपको ईमेल आएगा, और वो आएगा inward.remittance@hdfcbank.com से। यहाँ पे डिटेल्स होगी, OSN नंबर, इनवर्ड नंबर, रेमिटर और सारी डिटेल्स होगी। यहाँ पे अमाउंट दिया हो, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, और ये रेमिटर कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो अमाउंट आ रहा है ये सिंगापुर से आ रहा है, राइट? तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, सिंगापुर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद ईमेल आने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने HDFC नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करेंगे। ओके, तो आप लॉगिन करेंगे netbanking.hdfcbank.com में। यहाँ पे आपने लॉगिन करा, ये विंडो आपके ऐसे खुलेगी, राइट? इस विंडो में आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्ट मेनू है यहाँ पे जाना है। ओके, इस मेनू को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस का ऑप्शन आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ये विंडो ही, एक विंडो या टैब बोलिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस के नाम से होगी। जब भी आपको ईमेल आएगा, यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इनवर्ड रेफरेंस नंबर है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर है, और एक एक्शन टैब है। एक्शन मतलब कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये व्यू रेमिटेंस डिटेल्स को क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा, जो कि होगा फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस, सेम डिटेल है। यहाँ पे आपके रेमिटेंस की डिटेल्स दी होगी, इनवर्ड रेफरेंस नंबर दिया होगा, रेमिटर नेम कौन ने भेजा है, गूगल एशिया ने भेजा है, करेंसी किसने भेजी है, USD में भेजी है, अमाउंट कितना है वो यहाँ पे लिखा होगा, अकाउंट नंबर दिया होगा, और यहाँ पे नाम दिया होगा जो आपने अपना नाम डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम है वो मेरा है, पर जो मैंने HDFC बैंक में जो लॉगिन करा है वो खुशबू रानी के नाम से करा है, जो कि मेरी वाइफ है। तो आपके एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है कि अगर आप अमाउंट किसी दूसरे के अंदर, यानी किसी दूसरे बैंक में, यानी कि जो भी आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, उसमें आप अगर अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आप किसी दूसरे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट आपके नाम से ही हो। ओके, तो ये कि आपका प्रॉब्लम अगर ऐसा फेस करें तो ये सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे है रेमिटर पर्पस रिमार्क्स। ओके, यहाँ पे जो गूगल एशिया पैसिफिक है, उन्होंने एक रिमार्क भेजा है कि ये जो उन्होंने मनी भेजी है वो P1007 कोड के तहत इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, रिजेक्शन रिमार्क्स भी उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, कि वो रिजेक्शन नॉट एप्लीकेबल है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू टैब देख रहे हैं आप, इसको आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो एक इनपुट डिटेल्स मांगेगा आपकी,
ओके यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं प्लीज इनपुट रिक्वायर्ड डिटेल्स, तो यहाँ पे डिटेल्स आपको भरनी है, आपका नाम आप चेक कर लेंगे, अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ओके P1007 है पर्पस कोड। अब यहाँ पे जो पर्पस कोड है वो आपको यही सिलेक्ट करने का है, ओके मैच होना चाहिए, क्योंकि हम जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजिंग से आ रहा है और हम भी जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एडवर्टाइजिंग के लिए ही हम इसको, यानी कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग से ही आ रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको जो बटन है डाउन बटन, जैसे क्या मैं देख सकते हैं पुश डाउन बटन, इसको आप क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ओके तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा P1007 एडवर्टाइजिंग ट्रेड फेयर। ओके ये आप सिलेक्ट कर लेंगे स्क्रॉल डाउन बटन से यहाँ से, और रिमार्क्स में आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है रिमार्क्स में कुछ लिखने के लिए। फिर जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे एडवर्टाइजिंग ट्रेड फेयर, तो यहाँ पे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन आ जाएगा, यहाँ पे आप फिर से इस बटन को क्लिक करेंगे और आप सिंगापुर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि जो मनी आ रहा है वो सिंगापुर से आ रहा है। ओके तो ये मनी सिंगापुर से आ रहा है, तो आपको कंट्री सिंगापुर ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर आपको ये जो टिक मार्क है ये आपको टिक करना पड़ेगा चेकबॉक्स में, क्योंकि आप सारी कंडीशंस को अप्रूव करते हैं, इसको टिक मार्क करके आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आ जाएगा कि कन्फर्म योर डिटेल्स, अब आपको अपनी डिटेल्स कन्फर्म करनी है क्रॉस चेक करके। आप अगेन अपना रेफरेंस नंबर चेक कर लिए कर लेना, नेम चेक कर लेना, अकाउंट नंबर चेक कर लेना, अमाउंट कितना आ रहा है वो चेक कर लेना, पर्पस कोड चेक कर लेना जो आपने यूज़ करा है, और कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन चेक कर लेना। आप अगर इंडिया में हैं तो जनरली ये सिंगापुर से ही आएगा। ओके फिर यहाँ पे चेक करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रेस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में आप एक क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स जो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद इन 2 वर्किंग डेज। ओके याद रखिए 2 वर्किंग डेज में ये क्रेडिट होगा। अगर आपने रिक्वेस्ट आज डाली है जो कि मंडे है, तो ट्यूसडे और वेनसडे तक आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, यानी आपको जो अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा। अगर मंडे के बाद ट्यूसडे कोई हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, ओके तो आप इसको निकाल देंगे, ये हॉलीडे को आप काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो अमाउंट वेनसडे की जगह थर्सडे तक आ सकता है। ओके तो वो आपका जो अमाउंट है वो थर्सडे तक आ जाएगा 2 वर्किंग डेज में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जब उसको रिक्वेस्ट भेजी, जब मैंने वो ये जो रिक्वेस्ट है ये जब मुझे मैंने जब डाल दी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गई, उसके बाद मुझे ईमेल आता है यहाँ से कि डिस्पोजल रिक्वायर्ड, ये जो था इसका ईमेल आता है कि वी आर इन रिसिप्ट ऑफ फॉलोइंग इनवर्ड रेमिटेंस। ओके HDFC बैंक से आता है कि ये जो है वो मैंने 24 जनवरी को डाल दी है, तो वो अब उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। 2 दिन लगेंगे अप्रूव करने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 25 जनवरी को डाली थी रिक्वेस्ट और 27 जनवरी को मुझे एक ईमेल आता है। ईमेल ये है कि इनवर्ड कस्टमर पर्पस कोड एक्सेप्टेंस ईमेल, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये 2 दिन बाद मुझे ईमेल आ गया, ओके 2 डेज वर्किंग डेज हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि 25 को मैंने करा था, 26 जनवरी हॉलीडे था, तो 27 जनवरी को ही ये आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी एक ही दिन में काम हो गया। 27 जनवरी को ईमेल आता है मुझे, आ रहा है ये 9:15 AM को मॉर्निंग में आ रहा है कि इन्होंने एक्सेप्ट करा है। अब जो अमाउंट है वो कब आएगा, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि उसी दिन 27 जनवरी को 6:10 PM यानी कि 6:10 PM मतलब कि शाम के 6 बजे ये मुझे ईमेल आता है कि कंप्लीशन नोटिफिकेशन, यानी कि जो टैग जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो गया है। ओके तो विथ इन दैट वर्किंग डे उसी दिन आपको डिपॉजिट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। ओके तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है, तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताया, और आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली अमाउंट को HDFC बैंक में प्रोक्योर, यानी कि आप उसको ले सकते हैं। ओके तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल वाइज मैन को। थैंक यू।